दोस्तों स्वागत बंदन अभिनंदन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे फंड के बारे में बात करूंगा जिसने लोगों को कुछ ही समय में करोड़पति बनाया है। ऑन रिकॉर्ड आपके सामने होगा, सिर्फ मैं इस फंड का रिव्यू करूंगा और इसका रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा, किसने कैसे कैसे परफॉर्मेंस की है और कहीं कैसा फंड है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। पर लेकिन इससे पहले आपको आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि ये फंड कैसे है। देखिए दोस्तों, ये फंड जो है, तो मैं आपको अगर बताऊंगा तो ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था 2013 में, और उस टाइम पे उसकी NAV जो थी वो करीबन करीबन 50 से 60 रुपए के बीच में थी स्टार्ट होने के टाइम पे। लेकिन दोस्तों आज इसकी NAV करीबन आज 10 साल 11 साल के बाद 439 रुपये, 40 रुपये करीबन करीबन है। तो इसने करीबन 10 11 सालों में कितना परसेंट के लोगों को, अगर 10 11 साल में अगर किसी ने इसमें 50,000 डाला होता तो वो आज करीबन करीबन कितना हो जाता, करोड़पति, कितना कितना पैसा बना होता उसका, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। 5 सालों में इसने रिटर्न दिया 32% का, 3 साल में इसने रिटर्न दिया 28% का, 1 साल में रिटर्न दिया इसने 46% का, और 6 महीने में रिटर्न दिया 22% का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसकी जो फंड साइज है वो है 39,432 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा फंड है। यानी इस चीज से पता लगता है इसका फंड मैनेज अच्छा है और इस जब जब जो फंड आपको मैनेजर है नॉलेज बहुत अच्छा इंक्रीज होने लग जाएगा, इसका आपको मार्केट जो की समझ मैनेज होने किया लग इस जाएगी फंड कि को मार्केट और बहुत कैसा अच्छा काम काम करता करके है, दिला, तब इसलिए आपको लोग इसमें, ETF, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड स्टॉक हैं, बहुत ऐसा लोगों लेना ने चाहिए। जब इसमें आपको अपना मालूम पैसा हो जाएगी इन्वेस्ट कि कर यार रखा है कौन सा और कंपनी इसमें क्या क्या काम पैसा करती बना है, रहा है। इसका और फंडामेंटल कैसा दोस्तों इसकी है, जो होल्डिंग की बात या करें ये वो इसका है फंडामेंटल तीन कितना सौ स्ट्रांग दस है, होल्डिंग ये कितना परसेंट का यानी रिटर्न दे रही है, तो ये जो आपको हमारा स्टॉक में पैसा है लेना हम चाहिए। लोगों क्योंकि ने स्टॉक स्टॉक में में भी लगाया थोड़ा है वो आप एक स्विंग सौ ट्रेडिंग कर दस सकते हैं फिर, स्टॉक में और शेयर में ETF लगा भी रखा बहुत है। अच्छा है। आप देख सकते हैं मैं इस अगली तरह वीडियो में से आपको कि जो बताऊंगा बड़ी कि बड़ी कौन किस कंपनियां किस यूट्यूब हैं में अच्छी आप अच्छी ETF में कंपनियां हैं आपको उनमें इन्वेस्ट यहाँ करना पर चाहिए, कौन कौन से एक बेस्ट परसेंट ETF फंड है। मैनेजर ने ठीक है लगा दोस्तों, रखा तब है। तक के ठीक लिए है दोस्तों आगे धन्यवाद चलते और हैं, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जो तो कीजिए एक्सपेंस और रेशियो की बात करते हैं, बने रहिए। ठीक है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो होता है एक्सपेंस रेशियो जो आप मतलब जैसा आप किसी को गाड़ी देते हैं ना चलाने के लिए, अपनी गाड़ी ड्राइवर रखते हैं ना उसको आप सैलरी देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो होता है कि जब हम किसी को अपना पैसा देते हैं तो वो हमसे एक्सपेंस रेशियो लेता है। आपको आपको जो पैसा आपका बना के देगा, आपको रिटर्न निकाल के देगा तो वो तो आप खर्चा मांगेगा ना, तो वो एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो इसमें है दोस्तों 0.55% लेता है, और अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं विद इन 1 साल पहले तो आपको एग्जिट लोड पड़ता है 1% का। ठीक है दोस्तों, और स्टाम्प ड्यूटी आपको पड़ती है 0.005% की। ठीक है दोस्तों, ये उस टाइम की बात है। ठीक है, ये है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप दोस्तों मैं आपको बताता हूं रिटर्न कैलकुलेटर। देखो सबसे मेन बात, जो रिटर्न यहां पर आपने अगर वन टाइम में आपने अगर एक बार में मैं हम आपको बता के दिखाते हैं। ठीक है, एक बार में 20,000 अगर डाले होते तो 1 साल में आपका पैसा करीबन 29,200, ऐसा 30,000 करीबन बन जाते। और अगर आपने ये एक टाइम पे अगर 50,000 डाले होते तो आपका पैसा 1 साल में कितना, 73,900 करीबन ऐसा सब बन जाता है, 74,000 करीबन करीबन। ठीक है दोस्तों, और अगर 3 साल की बात करें तो आपका पैसा वही 50,000 का 1 लाख बन जाता, और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा वही
50,000 करीबन करीबन 2,07,000 करीबन करीबन बन जाता दोस्त, 2 लाख से ऊपर ऊपर बन जाता। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और अगर आप 10 साल रखते उसी 10 जो मैं आपको पहले बता रहा था ना, अगर आप उसी पैसे को अगर आप 10 साल रखते, 50,000 को 10 साल रखते, तो वही पैसा आपका करीबन करीबन ये 50,000 5 लाख रुपए बन जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका पैसा 3 से 4 गुना आपका पैसा बन जाता। ये है दोस्तों, अगर आप वन टाइम की बात करें, अगर मंथली SIP हम बात करते हैं, अगर आप मंथली SIP अगर 5,000 रुपये की शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले 1 साल से स्टार्ट करते हैं, तो आप 1 साल तक अगर 5,000 रुपये डाल देते हैं तो कितना होता, 50,000 से 60,000 रुपये करीब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और आपका पैसा 1 साल में बन जाता 71,425 रुपये, और 3 साल में बन जाता 2,93,395 रुपये, और अगर 5 साल की बात करें तो वही पैसा आपका 5 साल में बन जाता 7,23,400। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी भी ये फंड आपको अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है, और दोस्तों मैं भी इसमें रिमिनिस्ट्रेटेड है, और ये फंड है, ये फंड का जो नाम है ये है SBI क्वांट्रा फंड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और कैसा लगा आप जरूर बताना। जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।